तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, टाटा बाय बाय। ये रहा मेरा मकर संक्रांति का दही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है 14 जनवरी फ्रेंड और मकर संक्रांति है आज, तो आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं मॉर्निंग में ही अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ एकदम से। देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 7:20 बाकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं पूरा दिन क्या क्या करूंगी तो वही चलिए मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो देखिए अभी मैं सबसे पहले अपना बेड को ठीक करूंगी और इस चादर को भी मैं अभी हटाऊंगी। मैं सोच के रखी थी कि संक्रांति वाले दिन ही अपना बेडशीट चेंज करूंगी और इसको मैं आज धो दूंगी फ्रेंड। मैंने इसे 2 दिन पहले ही लगाया था, आप लोग तो देखे ही थे। तो आज फिर से मैं इसको हटा दूंगी और कवर को तो मैं कल ही धोई थी ब्लैंकेट का, तो वो तो अभी ठीक ही है। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना बेड पहले ठीक कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूंगी और नहाने के समय में इस चादर को भी धो दूंगी आज। तो देखिए मैं वही चादर फिर से डाल रही हूँ जो मैं 2 दिन पहले उठाई थी, इसको मैं धो के रख दी थी इसी दिन के लिए। और मेरा इसी साल का ये बेडशीट है नवंबर का, दीपावली में ही मैं इसको खरीदी हूँ, तो जब तक ये नया रहता है मैं उसको ही ज़्यादा यूज करती हूँ फ्रेंड। और आज मैं थोड़ा सा लेट से ही उठी थी क्योंकि रात में भी बहुत लेट हो गया था मुझे सोने में, कपड़ा कटिंग कर रही थी मैं रात में इसीलिए। और आज भी मेरा लगता है रात ही हो जाएगा क्योंकि आज भी मुझे सिलाई कुछ ज़्यादा ही करना होगा। तो देखिए कितना बचता है क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी घर सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पूजा वगैरह करके उसके बाद सभी को दे दूँगी खाने के लिए। और आज मुझे नदी नहीं जाना है, वैसे मैं हर साल जाती हूँ नदी नहाने के लिए, लेकिन इस साल बारिश 2 दिन से लगातार ही हो रहा है और मौसम बहुत ख़राब है फ्रेंड, इसीलिए मैं नहीं गई इस साल, घर में ही नहा ली थी इस बार मैं। और अभी देखिए पूरे घर में मैं झाड़ू लगा ली थी और रात का जो चूल्हा का छाई था उसको भी मैं डस्टबिन में करके बाहर रख के आई हूँ। अभी गाड़ी वाला आता है हम लोगों का कचरा मतलब लेने के लिए, तो वो आ जाएगा 8:30-9 के बीच में, तो मेरे हस्बैंड दे देंगे बाहर में। और इधर तब तक मैं पोछा लगा ले रही हूँ और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, उन लोग को मैं नहीं उठाई हूँ। और वैसे भी आज ट्यूशन छुट्टी है, मॉर्निंग में हर रोज़ उन लोग ट्यूशन पढ़ते हैं 8:30, लेकिन आज तो छुट्टी था तो मैं सोची थोड़ा लेट से ही उन लोग को उठाऊंगी मैं। और आज मुझे भी थोड़ा सा लेट ही हो गया था और पानी भी हम लोगों का चला जाता है 8:00 फ्रेंड। तो वैसे तो मैं सभी के लिए भर के रख दी हूँ गर्म पानी, और जब जैसे ही सब लोग उठेंगे फिर मैं बोल दूँगी नहाने के लिए, और फिर पोछा लगाने के बाद फिर मैं भी नहा लूँगी अभी तुरंत ही। तो फ्रेंड्स सारा काम हो गया है खत्म और अभी मैं नहाकर पूजा वगैरह भी हो गया है मेरा, और देखिए मैं पूजा कर ली। और जो चढ़ाना वगैरह होता है वो अभी नहीं, भोग नहीं लगा है क्योंकि वो मेरी सास करेगी। और अभी मैं जा रही हूँ मटर आलू की सब्जी बनाने के लिए। तो आज हम लोगों को चूड़ा दही और तिलकुट खाया जाता है, जो मैं कल बनाई थी वो मतलब आज खाना है सभी को। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए और उसके बाद दही देखना है, दही जमान हुआ है कि नहीं हुआ है आप लोगों के सामने मैं देखूंगी दही का हाल क्या है। तो चलिए देखिए मेरा दही कैसा जमा है। बहुत अच्छा जमा था फ्रेंड, बहुत मतलब कि मैं एक बार भी इसको देखी थी नहीं झांक कर, जैसे रख दी थी वैसे ही रह गया था। और यहाँ देखिए कितना अच्छा दही जमा है मेरा मकर संक्रांति का, और मलाई देखिए कितना मोटा है ऊपर में बैठा हुआ। और ये गाय का दूध का बनाया हुआ दही है, कोई बनावटी नहीं है। मैं हर रोज़ जो गाय का दूध खरीदती हूँ 1 लीटर, तो बस 1 लीटर मैं एक्स्ट्रा खरीदी थी और उसी को देखिए 2 लीटर का मैं 1 लीटर बना दी थी सुखा कर। तो देखिए कितना अच्छा दही बना हुआ है। और अभी मेरा मकर संक्रांति का सबका परोसना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैं अपने सास को देती हूँ, हर फेस्टिवल में मेरी सास पहले खाती है और उसके बाद फिर रोहन। जब मेरी सास खा लेती है एक निवाला उसके बाद फिर रोहन भी खाना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पर मेरी सास का थाली लग गया है और लगे हाथ में फिर सभी का भी थाली तैयार कर दूंगी। तो देखिए सभी कोई बैठ गया यहाँ पर खाने के लिए। और ये जो मैं निकाली हूँ एक्स्ट्रा, ये बांटने के लिए मैं रिया को देते जा रही हूँ, रोहन को, सब घर में वो देते जा रहा है। जिनके जिनके घर में नहीं होता है उनके घर में, कुछ मोहम्मदन भी यहाँ रहते हैं तो उनके घर में नहीं होता है तो उन्हीं के घर में दे देती हूँ मैं। और कुछ क्रिश्चियन भी है तो उन लोग भी नहीं करते हैं तो मतलब वही खुशी से देती हूँ। और उसके बाद देखिए रोहन का यहाँ पर पतंग उड़ाना, अभी वो खरीद कर लेकर आया हुआ था सामने का दुकान से, 5 पीस मतलब मंगवाया था वो
ये मतलब 50 रुपए में धागा वगैरह सब मिलाकर, और यहाँ मेरे हस्बैंड कर दे रहे हैं, हर साल वही करते हैं। मैं ये सब काम नहीं जानती हूँ, मैं कभी पतंग उड़ाई नहीं, तो यही मेरे हस्बैंड कर दे रहे हैं। और वो अभी देखिए वहाँ बैठा हुआ है, टीवी देख रहा था। और फ्रेंड्स अभी दोपहर का समय समय हो रहा है और रोहन अभी उधर पतंग उड़ा रहा है, मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ। अभी मैं सब्जी और चावल बनाऊंगी क्योंकि मॉर्निंग में तो नाश्ता में वही हो गया था खाना जो मैं कल बनाई थी, वही सारा सब था रखा हुआ और चूड़ा दही यही सब खाया गया था। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, मटर आलू की सब्जी। रात में मैं दिखाई थी कल का वीडियो में, मटर छील रही थी मेरी सास, तो वही मटर आलू की सब्जी और चावल बनाऊंगी मैं अभी। देखिए यहाँ पर मटर आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं, और इसमें मतलब वही दाल नहीं बनाना है, इसमें मैं तरी बनाऊंगी ज्यादा पानी डालकर। और उधर मेरा सब्जी बन गया था फ्रेंड, मैं चावल चढ़ा दी थी और मैं सोची थोड़ा कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि ये सूट मुझे आज के आज ही सिलना है। और अभी वही मैं सिलाई करने के लिए इसको मतलब कटिंग नहीं हुआ था, तो मैं सोची कटिंग करके फिर खाना वगैरह खा कर बैठ जाऊँगी सिलने के लिए। तो उधर चावल चढ़ा कर मैं कटिंग करने लगी, और ये सलवार है मतलब सलवार सूट सिलना है मुझे, तो वही मैं कटिंग कर रही थी। और दो सूट है, एक ब्लू दिख रहा है आपको नेवी ब्लू, वो भी मुझे आज के आज ही सिलना है। और देखिए सूट कटिंग होने के बाद फिर मैं यहाँ बैठ गई थी सभी कोई खाना खाने के लिए। मेरी सास और रोहन दो लोग खा चुके थे खाना, बस हम लोग 3 जन बाकी थे, तो हम लोग बैठ गए थे फिर खाना खाने के लिए फ्रेंड। वही चावल और सब्जी दोपहर में यही बनाई थी मैं, तो हम लोग सबको गर्मा गर्म खा लिए थे। खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन भी मैं साफ़ कर ली थी फ्रेंड, घर में फिर झाड़ू भी मारी थी एक बार, और अभी मैं आयरन कर रही हूँ। आज दो ब्लाउज सिली थी मैं, ये तो उस दिन सिली थी परसों दिन, कल तो मैं कोई सिलाई की ही नहीं थी, कल तो मैं वही लाई वगैरह बनाने लगी थी, तो ये परसों का सिला हुआ ब्लाउज था, इसको भी आयरन करना था। और दो ब्लाउज आज मैं सिली हूँ, ये ऑरेंज और एक रेड, तो इसको भी मैं लगे हाथ प्रेस कर ले रही हूँ। और सब ये तीनों ब्लाउज एक ही घर का है, इसीलिए मुझे आज सिलना था। और आज मुझे दो सूट भी सिलना है जो मैं दोपहर में कटिंग की थी। और अभी शाम का 5 बज रहा है, और अभी मैं शाम का दिया दिखा दी हूँ कपड़े चेंज करके, और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के बाद फिर मैं वो सूट सिलाई करूँगी जो मैं दोपहर में कटिंग की थी दोनों सूट, तो अभी मुझे सिलाई करना है रात में ही, चाहे कितना भी रात हो जाए फ्रेंड, आज के आज ही मुझे सिलाई करना है। तो वही मैं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं खाना बनाऊँगी, हल्का फुल्का ही बना लूँगी अभी मैं, भुंजिया रोटी वगैरह, क्योंकि जल्दी हो जाएगा इसीलिए। और आज दोपहर में मैं दो ब्लाउज सिली हूँ, तीन ब्लाउज मैं अभी प्रेस की थी, एक ब्लाउज तो मैं परसों ही सिली थी, मैं तो शेयर की थी आप लोगों के साथ, जो ग्रीन टाइप का था, और ऑरेंज ब्लाउज और रेड ब्लाउज फिर आज सिली हूँ मैं दोपहर में। और अभी रात में मुझे दो सूट सिलना है, और सारा एक ही घर का कपड़ा है, तो वही आज के आज ही सिलाई करना होगा। और नाइटी जो मैं उस दिन सिली थी उसको भी अभी आयरन करना होगा, उसको नहीं आयरन की हूँ साथ के साथ। तो चलिए अभी मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद कपड़ा वगैरह सिलाई करके फिर मैं मिलूँगी आपसे, चाहे कितना भी रात हो जाए, क्योंकि आज सिलाई करना है फ्रेंड। मेरा ऐसा ही होता है, जब भी कोई फेस्टिवल हो या फिर कुछ भी हो, मुझे ऐसे ही जागना होता है कभी कभार। तो चलिए अभी ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। तो अभी देखिए रात का टाइम हो रहा है, अभी काफ़ी रात हो गया था, और मैं खाना बनाने समय भी और सिलाई करने समय भी सूट कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि कैमरे के सामने बहुत मतलब लेट हो जाता है फ्रेंड। और ये वही नाइटी है जो मैं उस दिन दिखा रही थी, शायद 12 तारीख था, हाँ परसों दिन जो मैं सिलाई की थी एक ब्लाउज और ये नाइटी, ये वही नाइटी है। तो अभी मैं प्रेस कर ली और अभी मैं सूट भी सिलाई कर ली हूँ दोनों। खाना बनाने के बाद मैं भुंजिया रोटी बनाई थी फ्रेंड ताकि जल्दी हो जाए इसीलिए। और यही वही देखिए ये ब्लू वाला जो सलवार दिख रहा है आपको जो मैं दोपहर में कटिंग कर रही थी वही है। तो अभी मैं इसको पैक कर ले रही हूँ और मुझे मॉर्निंग में ही देना है, एकदम बिल्कुल सुबह में देना है इसको। लगभग 5 बजे आएंगे वो, और वो दूर से आते हैं, तो इसीलिए मैं सोची रात प्रेस भी कर लेती हूँ। तो अभी काफ़ी रात हो गया है फ्रेंड अभी। तो फ्रेंड्स फाइनली सारा काम हो गया है मेरा, और अभी काफ़ी रात हो रहा है, रात का मतलब अभी 1:45 हो रहा है, और मेरा भी एडिटिंग हो गया है कम्प्लीट। और आज मुझे इमरजेंसी कपड़ा भी सिलाई करना था, तो वही मैं सिलाई कर रही थी, साथ के साथ एडिटिंग भी कर रही थी रात में ही, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा फ्रेंड, कल मुझे दूसरा काम करना है, इसीलिए कल का सिलाई मैं आज ही कर ली रात में ही। और तो आज तो मैं मतलब कि कैसे मैं मकर संक्रांति
हम लोग मनाते हैं वही मैं शेयर की आप लोगों के साथ। मैं ऐसे सिंपल तरीके से ही मनाती हूँ फ्रेंड, तो मैं उसी तरह जैसे करती हूँ ऐसे ही शेयर की हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा। अगर मेरा आज का ब्लॉग अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू, बाय। आपको अभी हम ये पीला जोड़ कर दिखाऊंगा, तो आप जाइए आपको दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं, ये देखिए ये पीला जोड़ा हुआ नहीं है। ओके फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको देख के वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हुआ मुझको चलिए, मेरा इतना तो हो गया है। ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, ऊपर से गिर गया था ये वाला, ठीक है, डोंट माइंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हो चुका है कंप्लीट, ये देख सकते हैं पूरा पीला मिल चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ऑरेंज जोड़ के ये। तो फ्रेंड्स अभी मैं पीला जोड़ा हूँ, तो दोबारा मैं आपको पता होगा मैं सारा जोड़ सकता हूँ अगर हम पीला जोड़ देते तो। आप सबके लिए हमें उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे मम्मी बोलेगी कि तुम इतना लंबा वीडियो क्यों बनाया। तो इसलिए देख सकते हैं एक स्टाइल में रखी हूँ फोकने के लिए। तो इसलिए मैं एंड करता हूँ इसको यहीं पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आपको तो आपको सुनाई नहीं दिया हो तो वापस बोल देता हूँ आपके लिए। आपको इतना हम बोल रहे हैं तो आप प्लीज कर दे। तो सुनिए तो देखते हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। टाटा बाय बाय।